हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं एवरी गौरव। हैप्पी रिपब्लिक डे। आज 26 जनवरी है और आज है रिपब्लिक डे। आज यूनिवर्सिटी में आया हूँ, मतलब पहुँचने वाला हूँ जस्ट। मेरे पीछे आगे यूनिवर्सिटी है और आज यहाँ पे एक आध प्रोग्राम है जिसमें से मेरी भी हिस्सेदारी है उसमें, तो अभी वही होगा। और किस प्रकार आज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होता है मैं आपको दिखाता हूँ। टाइमिंग जो है वो 10:30 बजे का है और हमारी टाइमिंग जो थी 9:30 के बीच में आने की थी। जितने भी बच्चे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कि मेरे द्वारा बोला गया था कि हम लोग यहाँ पे, हमें लगता है कि हो चुका है। वहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लैग होस्टिंग की जो जगह है वो है, और यहाँ पे कुछ चेयर्स वगैरह लगाए गए हैं। हमें लगता है कि मैनेजमेंट के लिए जो भी हैं यहाँ के संस्थापक, उनके लिए है। और बाकी अब थोड़ी देर में लोग यहाँ पे आएंगे, उसके बाद हमारी आगे बात होगी। बाकी चलते हैं, अब देखते हैं कि कौन कौन लोग आए हुए हैं। हमें लगता है एक हमारे सत्यम भाई हैं, 3rd सेमेस्टर के एग्रीकल्चर से वो आए हुए हैं, तो उनसे बात होगी हमारी। और उनके साथ में भी कोई है। गुड मॉर्निंग। ये रहे हमारे सत्यम भाई, 3rd सेमेस्टर। हेलो, हैप्पी रिपब्लिक डे। और ये रहा है हमारे दोस्त, हालांकि इनका नाम है अंकित, है ना जी। ये भी हमारे साथ, आप नेशनल एंथम पे आप हैं और ऐसे ही एनसीसी कैडेट हैं जी। और वही हम लोग पहले आ गए, हमें थोड़ा होता है कि ऐसे ओकेजन्स पे अगर हम लोग टाइम पे आए तो ज़्यादा बेटर रहता है। और बाकी टाइम दिया जाता है वही, और वो भी लेट आते हैं। इनका नाम है दृष्टि। मास्क हटाओ अपना। हेलो, बोलो। हाय। और मास्क हटाओ। हाँ, ये खूबसूरत लोग थोड़ा लेट आते हैं। हमारी सीनियर साहिबा। ये हैं हमारी सीनियर, जिन्हें सीनियर कहलाने का काफी शौक है। मास्क हटाओ पीपल। और ये इनके साथ दोस्त हैं साथ में। हाँ, आप टाइम पे आए हो। ये लड़की पूरे 5 मिनट लेट आई है, इसको क्या बोलना चाहते हो आप? कुछ नहीं, सही टाइम पे आए। और तुमको मिलवाते, तुमने ही ना मिली थी। भाई आप उदास क्यों दिख रहे हैं? उदास नहीं दिख रहे हैं, बस ऐसे ही पता होने है। इसीलिए स्टार्ट होने वाला है तो थोड़ा नर्वस है। और हमारे जो एक कैंडिडेट हैं VVIP मिस स्नेहा, वो अभी नहीं आई है, शांति से बैठी हुई है, तो थोड़ा सा उनके लिए हमें चिंता है। वो बोली एकदम एग्जैक्ट 10 बजे मैं आऊँगी। बोले आओ भैया, देखते हैं। वी आर गोइंग इन NCC सेल, मीन्स स्पोर्ट्स रूम, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग अभी एम्पलीफायर और माइक के लिए। क्या सर आए हैं? ये जो हमारे स्पोर्ट्स के जो हेड हैं वो आए हैं, तो उनसे हम लोग जाएंगे अभी, माइक वगैरह लेंगे। और स्पोर्ट्स रूम, और सर जो है हम इनसे मिलवाते हैं। मैडम बहुत मिस नहीं। हेलो गाइस, उनसे मिलते हैं कैमरा के पीछे। और बाकी सर लोग हैं, बैठे हैं अभी। हम लोग जो एम्पलीफायर और माइक है वो लेंगे, और उसके बाद फिर ग्राउंड में मिलते हैं। अबाउट टू स्टार्ट, एंड देख सकते हैं आप मेरे आसपास भीड़। जो परफॉर्मेंसेस थोड़े बहुत हैं वो स्टार्ट होने ही वाले हैं। सुप्रभात। यहाँ उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय, प्रति कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय तथा अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों का गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आकांक्षा आपका स्वागत करती हूँ। जी।
वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुभ्राज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुभाषिनी सुमधुरभाषिनी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करल कोटि कोटि भुजै धृत खर खल वाले अब लाके नो बाएथ बोले बाहुबल धारिणी नमामि तारिणी त्रिपुदल वारिणी मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म त्वं हि प्राणाः शरीरे बहुते तुम्ही मा शक्ति हृदये तुम्ही मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गरी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम धन्यवाद से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशितां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा पर्वत हो सबसे ऊंचा हमसे आसमां का पर्वत हो सबसे ऊंचा हमसे आसमां का वो संतरी हमारा वो पासवां हमारा गोदी में खेलती है जिनकी हजार नदियाँ गोदी में खेलती है जिनकी हजार नदियाँ गुलशन है जिनके दम से रस के जीना हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा
आगे बढ़ेगा। नहीं बोल कर रही। सो गाइस अभी तो मेरा परफॉर्मेंस हो गया, मुझे खुद नहीं पता कि कैसा हुआ। मैं आपको अभी परेड दिखाता हूँ एनसीसी कैडेट्स का। फोटो सेशन भी जो था वो हो चुका है, स्वीट्स जो है बट रहे हैं। और भैया ने हमें बोला सर हेलो, बहुत अच्छा हो गया हम लोग का परफॉर्मेंस, अच्छा था। से बोलते हैं रियल हैप्पीनेस जिलेबी। और ये इनका एनसीसी कैडेट्स का जो है फोटो सेशन हो रहा है। इनका क्या महत्व है, सब अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है, यहाँ तक कि टीचर्स मतलब प्रोफेसर जो भी, सब लोग अपना पूरा एंजॉय किया आज के दिन को। और काफी अच्छा एक व्यू आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। इवेंट है वो तो हो चुका है खत्म, और हमारे दोस्त आ जाओ एक साथ आइए। ये जो थी इन्होंने काफी हमारा हेल्प करा, इन्होंने कैमरा किया था अभी जब हम लोग कैमरा। ये है दृष्टि, स्नेहा, श्वेता मिस सीनियर, और अमाया, सत्यम। एंड हमें तो आप जानती हैं, तो जो आप लोगों को बोलना था बोल दो। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट भी कर दे, कैसा था एक दो, और हमारे फ्रेंड को फेमस होने में हेल्प करें। तुमको एक समोसा खिलाएंगे हम। नहीं, उसके साथ मिठाई भी चाहिए और चाय भी चाहिए। बजट खराब करोगे यार हमारा, फरमाइशें बढ़ती जा रही है इनकी। चलो जो हो वो तो हम मैनेज कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे। बाकी आप सबों को कैसा लगा कमेंट में बताइए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। अब मैं जिनसे मिलवाने जा रहा हूँ वो हैं मोनिश सर, और इनसे हमारी काफ़ी अच्छी जमती है। कैसे कैसा रहा सर आज आपका दिन, कैसा आज आज तो मतलब बहुत दिनों बाद इतने क्राउड, बच्चे और फैकल्टी जो एक साथ इस मंच पे दिखे आज बहुत दिनों बाद। पर्सनली मेरा परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा? ये पर्सनली मतलब तुम मतलब उस जिस गीत को गा रहे थे जी सर, उस समय मतलब नहीं कहते हैं कि रुआर जाना, हाँ गूज बम्स उसको जो कहते हैं, वो मेरे साथ हुआ एट उसी टाइम। सच्ची बता, झूठ क्यों बोलेंगे भाई, झूठ बोल के कुछ फायदा हुआ? इन्होंने ये बात बोल के हमारा दिल जीत लिया। और दूसरी बात है कि एक्चुअली में जो परफॉर्मेंस जब हो रहा था तो हमें भी पता नहीं चला कि हमने कैसा किया, तो हमने उसकी है बहुत अच्छी है वो, बहुत भी मेरे साथ बहुत फैकल्टी भी इस बात को कह रहे थे बहुत। जी सर आ गए, हम भी खाएंगे सर जलेबी। चलो चलो मैं चाहता हूँ, चलिए जिलेबी खाते हैं फिर से एक बार सर के साथ। के साथ होने का यही फायदा है, जिलेबी बचा हुआ हो गया छोटा सा, फिर हमें भी दीजिए भैया एक, ये हमें फिर से मिला। हालांकि अभी घर पे बहुत सारा आया होगा, दादी जी और मम्मी टीचर हैं तो उनके स्कूल से आते रहता है, पापा भी लाते हैं। बाकी यहाँ का
जहाँ मतलब जहाँ से आप जुड़े हुए हो वहाँ पे अगर फिर से मिलता तो उसकी खुशी कुछ और होती है। हालांकि मैं ये एंडिंग शूट करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम हमने यहाँ पे दिया था और उसके बाद से अभी सब लोग जा चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। अभी मैं जा रहा हूँ NCC सेल में, सर ने बुलाया अभी और उसके बाद फिर घर जाऊँगा। सो अगेन दैट्स इट, प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। हालांकि उससे फ़ायदा मेरा होता नहीं, आप लोग करते नहीं। मैं एंड कर दिया था लेकिन देखिए रिफ्रेशमेंट का भी पूरा व्यवस्था है यहाँ। ये जो हैप्पीनेस है ये इसके बाद ही होती है, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। थैंक यू।